फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम हियर विथ अनदर ब्लॉग। सो रिसेंटली मैं अभी इंदौर गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने। ऑलमोस्ट आफ्टर 2 ईयर्स हम लोग मिले हैं एंड बहुत इंजॉय करा है हम लोगों ने इंदौर में। मैंने उसके साथ में MBA करा है, अपना रूम शेयर करा है, बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई हैं उसके साथ में इंदौर में ही। सो वही सब मेमोरीज़ हमें रिकैप करनी थी। सो हम लोगों ने एक शॉर्ट सी ट्रिप प्लान करी इंदौर में ही 3 दिन की। हम लोग ओमकारेश्वर भी गए थे बिकॉज हम लोग पहले जब 2 साल MBA में टाइम पे रहे तब हम लोग नहीं जा पाए थे ओमकारेश्वर बिकॉज कोविड था उस टाइम पे एंड ऑब्वियसली स्टडीज़ होती थी तो हम लोग नहीं निकल पाते थे ज़्यादा। बट बहुत मज़े करे हमने वो 2 साल में भी एंड वही सब हमने ये 3 दिन में वापस से रिकैप करा और मैंने ये मोमेंट्स को ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करा है। 2023 का जो लास्ट वीक रहा है ना वो मेरा बेस्ट टाइम रहा है। बहुत इंजॉय करा है मैंने उस टाइम में फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय करा है। एंड टच वुड नज़र ना लगे बिल्कुल भी, बट बहुत अच्छा वीक रहा है। आई होप मेरा 2024 भी ऐसा ही रहे और आप लोग के लिए भी 2024 बेस्ट ईयर प्रूफ हो। आप लोगों को जो भी चीज़ें अचीव करनी है आप लोग अचीव कर पाओ आई होप। नाउ लेट्स गेट इनटू वीडियो। अभी जस्ट अभी हम लोग रेडी हुए हैं, मैं पहुंची थी और अब हम ओंकारेश्वर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। फाइनली बहुत ही स्ट्रगल के बाद में हम लोग ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं। हमारे बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए और अब हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए। नीचे जाना है ना? नीचे दिस वे। यहीं से बोटिंग होती है ना सामने। अरे यहाँ कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। जो मंदिर में दर्शन किया है वो ममलेश्वर मंदिर है और यहाँ से बोटिंग करके ओंकारेश्वर मंदिर उस साइड है, ये अभी हमें पता चला है। बहुत ज्यादा गंदी भीड़ है और अब हम लोग पीछे से जा रहे हैं ताकि जुगाड़ हो तो हम लोग दर्शन कर पाए, क्योंकि ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। 5-6 घंटे लग जाएंगे हम लोग को दर्शन के लिए और हम लोग पर इतना टाइम नहीं है कि हम 5-6 घंटे लाइन में लग पाए। अब देखते हैं कुछ हो पाते हैं तो भगवान की कृपा से। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है और हम लोग दर्शन की गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी मैं उठ गई थी और मैंने नहा लिया है और कल ना हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। 12 बजे हम होटल वापस आए हैं, इंदौर आए हैं ओंकारेश्वर से 12 बजे, तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है। जितना भी किया है इसके पहले आपको देखने को मिल जाएगा। और आज अभी हम जा रहे हैं चौकी धानी, सो उसी के लिए अभी हम रेडी हो रहे हैं। मैं नहा रही हूँ और रुद्राक्षी नहाने गई है, सो मैं अभी आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद। इतनी
छोटी आएगी तो दिखाई नहीं देता। सो अभी हम लोग हो गए रेडी और अभी अपन चल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, है ना? श्री माया जा रहे हैं ये हमारे कॉलेज के सामने। इसको कितनी हंसी आ रही है यार, इसको कितनी हंसी आ रही है, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही है। ज्यादा रश है आज, बिल्कुल स्कूल के दिन याद है इन बच्चों को देख। ऐसा लग रहा है गांव के किसी स्कूल में आ गए हैं। सच में बहुत ज्यादा रश है आज। अभी काम नहीं, मजा आ रही है गोल गोल घूमने में। इसको बैठ तो नहीं बन रहा है, मुझे क्यों लात मार रही है? मैं तो अब इधर ना थोड़ी सी शांति है तो हम लोग इस साइड आ गए हैं, बाकी उस साइड तो बहुत बहुत ज्यादा रश हो रहा है। ये वाली बॉल को हाथ में, हाथ वाली बॉल चली तो वो इधर आ। चलो भाई तुमको भी बुला रहे हैं, हाँ तुम्हारे दोस्त चाय पीने के लिए। चलो बेटा बाहर आ जाओ, काटना नहीं, काटोगे तो मारेंगे थोड़ा और घसीटेंगे ज्यादा। कपड़े में कपड़े को अलग कबूतर, एक बार यही बंद करेंगे, एक जादू लगाएंगे तो ये पिजन यहाँ से गायब भी हो जाता है। चलो बेटा जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, लेकिन एक मिनट, एक अकेला आया लेकिन अपने जोड़ीदार को ये साथ में नहीं लाया, इसका जोड़ीदार भी भेज दो, सब लोग तुम्हारी कला की कदर करेंगे, इनाम देंगे। आ गया सर, यही हमारा जादू है, यही हमारी कलाकारी है, म्यूजिक हमारा पुलिस है, आप सभी को दोबारा से जादू खत्म। अभी हम लोग आ गए छप्पन दुकान और हम लोगों ने ना स्कूटी रेंट कर ली है, जो कि बहुत धोखा दे रही है हमको, दो बार रास्ते में धोखा दे चुकी है, चालू नहीं हो रही है, किक से चालू करनी पड़ रही है, बट अब देखते हैं, नहीं तो फिर वो जो ओनर है उसकी उनको कॉल करके हम इन्फॉर्म करेंगे कि हमें स्कूटी धोखा दे रही है, आप आ जाओ करके, क्योंकि वो सेल्फ स्टार्ट हो ही रही है, किक से स्टार्ट करनी पड़ रही है। बाकी हमने पेट्रोल वगैरह खुद ही फिल कराया है और रेंट हमने 600 लिया स्कूटी का फॉर 23 आवर्स के लिए। तो अभी हम लोग वहाँ छप्पन दुकान घूमेंगे और थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, यहीं सामने अपोलो टावर है वहाँ से शॉपिंग करेंगे। साइड ही नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे खाना क्या है, यहाँ पे पैक करा रही है सब करने, फिर खाने के बाद मिलते हैं।